Hello friends, once again I welcome you on my YouTube channel English with Rasville. And in today's lecture, we are going to discuss the third part of the poem <coughs> Roadside Stent, which is composed by Robert Lee Frost. We have discussed the two parts, and in these two parts, uh, a basic description of Robert Lee Frost and uh,

आर टू बी ब्रॉट आउट एंड मर्सिवली गैदर इन टू लिव इन विजेज नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर इसमें पोइट क्या कह रहा है पोइट कहते हैं इट इज़ इन द न्यूज़ अब ये न्यूज में आ रही है चीजें मतलब हाईलाइट हो रही हैं लाइमलाइट में आ रही हैं कौन सी चीजें दैट ऑल दीज पीटीफुल किन पीटीफुल किन हीयर आर द रस्टिक पीपल रस्टिक पीपल मीन्स दो आर लिविंग इन विलेज आर द रस्टिक पीपल पीटीफुल किन किन मीन्स होता है रिलेटिव नियर एंड डियर किन जिसके लिए हम यूज करते हैं पीटीफुल मीन्स जिस जो अराउज करते हैं फीलिंग्स काइंडनेस की पीटी की दैट इज पीटीफुल तो यहाँ पे पीटीफुल किन किसके लिए यूज हुआ है पीटीफुल किन इज यूज फॉर द पीपल हु आर लिविंग इन विलेजेज एंड they who have set up their roadside stand and they are selling their products product. so these are the pitiful kings. now the news is this news hai kya ki jitne bhi pitiful की नहीं नहीं जितने भी villagers hain जो गांवों के अंदर रह रहे हैं अब उनको are to be brought out. अब उनको क्या किया जाएगा they are to be brought out. उनको बाहर निकाल लिया जाएगा किससे बाहर निकाल लिया जाएगा they are to be brought out फ्रॉम दियर मिजरीज उनको उनकी मिजरीज से बाहर निकाल लिया जाएगा उनके जो कस्ट है उनसे बाहर निकाल लिया जाएगा एंड मर्सीफुली गैदर इन टू लिव इन विलेजेस एंड मर्सीफुली अब वो मर्सीफुली क्या हो चुके हैं भाई वो गेदर हो चुके हैं गैदर मीन्स असेंबल एंड मर्सीफुली दे हैव गदर्ड सेल्स इन विज़ज नेक्स्ट टू द थिएटर एंड द स्टोर स्टोर और थिएटर जो हैं उनके सामने रहने के लिए वो सारे के सारे लोग अब इकट्ठे हो चुके हैं कहाँ पे इन विलेज कहते हैं सिटी में नहीं जा रहे वो जितने भी विलेजर्स हैं अब वो क्या हो चुके हैं अब वो सारे के सारे इकट्ठे हो चुके हैं सो दैट दे कैन लिव इन फ्रंट ऑफ द थिएटर्स इन फ्रंट ऑफ द स्टोर्स इन फ्रंट ऑफ द मॉल्स इन फ्रंट ऑफ द मल्टीप्लेक्सिस वहाँ पे वो इकट्ठा हो चुके हैं उनके सामने रहने के लिए अब यहाँ पे पॉइंट है वो डायरेक्टली इंडस्ट्रियलाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन को रेफर करता है कि इवन कहानी यहाँ तक पहुँच चुकी है कि जो रियल इस्टेट का बिजनेस है अब वो शहरों तक ही सीमित नहीं रह गया है बल्कि वो शहरों से निकल कर अब गांव तक पहुंच गया है एंड इवन इन विलेजेस दीज इंडस्ट्रियलिस्ट नाउ आर सेटिंग थिएटर्स मॉल्स स्टोर्स मल्टीप्लेक्सेज इवन इन विलेजेस विलेजेस के अंदर भी वो ऐसा कर रहे हैं अब पोइट क्या कहना चाहता है पोइट ये कहना चाहता है कि अब ऐसा न्यूज़ में आ रहा है यानी ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब सारे के सारे जो लोग हैं वो उनको अब उनके कष्ट से दुख दर्द से बाहर निकाल लिया जाएगा और कैसे दुख दर्द से बाहर निकाल लिया जाएगा क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि अब थिएटर्स स्टोर्स मॉल्स बनने वाले हैं इवन इन विलेजेस के अंदर और वहाँ पे अब वो सारे के सारे विलेजेस हैं वो उसके सामने नेक्स्ट टू द थिएटर्स थिएटर्स के सामने अब आ चुके हैं किसके लिए आ चुके हैं भाई सो दैट दे कैन आउट फॉर द वर्क देयर वेयर दे वॉन्ट हैव टू थिंक फॉर देम सेल्स एनी मोर जहाँ पर जाने के बाद यानी जब वो थिएटर्स और स्टोर और मॉल्स स्टेब्लिश कर लिए जाएंगे विलेज के अंदर तो वहाँ पर जाने के बाद दे वॉन्ट हैव टू थिंक मच अबाउट दैम सेल्स उनको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी क्या सोचने की जरूरत नहीं होगी बिकॉज दे ऑलवेज थिंक टू अर्न मनी एंड अगर ये जो लोग हैं वो इंडस्ट जो थिएटर्स हैं मॉल्स हैं स्टोर्स हैं मल्टीप्लेक्सीज हैं अगर इनको इस्टेब्लिश कर देंगे वहाँ पे तो डेफिनेटली दे विल फाइंड सम टाइप ऑफ वर्क और देयर एंड दैट्स व्हाई दे वोंट हैव टू थिंक मच अबाउट दैम सेल्व्स एनी मोर हाउ टू सरवाइव हाउ टू लिव हाउ टू अर्न मनी मीन पोइट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि डेफिनेटली दे विल फाइंड सम वर्क बट इट इज़ ओनली इन द न्यूज़ ये सिर्फ न्यूज़ में है वाइल ग्रीडी गुड डूअर्स बेनिफिशेंट बेस्ट ऑफ़ प्रे अब यहाँ पर पोइट क्या कहना चाहता है बाई चांस इफ इट हैपन्स स्टोर्स एंड मल्टीप्लेक्सेज आर इस्टेब्लिस्ड इन द विज देन दे विल फाइंड द वर्क ओवर देयर बट एट द सेम टाइम जब ये गाँव के लोग वहाँ पर पहुँचेंगे काम करने के लिए ऐट द सेम टाइम वहाँ पर कौन पहुँच जाएंगे वही वहाँ पर पहुँच जाएंगे ग्रीडी गुड डूअर्स और बेनिफिशेंट बेस्ट ऑफ प्रे ग्रीडी और गुड डूअर्स भी हैं मतलब अच्छा करने वाले भी हैं और लालची भी हैं यानी दो तो ऑपोजिट टर्म आ गए जब ऐसी ऑपोजिट टर्म आ जाती है तो फिगर ऑफ स्पीच यूज हो जाते हैं ओगजी मोरन ओगजी मोरन ए और गे की साउंड है वो भी रिपीट हो रही है तो इसमें एलिट्रेशन भी हो जाएगा एलिट्रेशन यहाँ पे भी बेनिफिशेंट लाभ करने वाले और शिकारी भी हैं यानी हानि पहुंचाने वाले भी हैं तो इसमें भी ऑपोजिट टर्म है और बे बे की साउंड भी रिपीट हो रही है तो इसमें भी ऑग्जीमोरन और एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच अनुप्रास अलंकार है और ऑग्जीमोरन यहाँ पे यूज हुआ है तो कहता है बाई चांस इफ इट हैपन्स कि जैसे ही मल्टीप्लेक्सिस थिएटर स्टोर्स वहाँ पे इस्टेब्लिश किए जाते हैं आफ्टर दैट जो मिडिल मैन कहें आप जो दलाल टाइप के लोग हैं वो उन लोगों के साथ ही वहाँ पे पहुँच जाएंगे जो अपने आप को गुड डूअर्स कहते हैं बट एक्चुअली दे आर ग्रेड जो अपने आप को बेनिफिशेंट कहते हैं लेकिन वो क्या हैं सिकारी है भाई लालची शिकारी जानवर हैं वो पहुँच जाएंगे वहाँ पे और वो क्या करेंगे स्वम ओवर देयर लाइफ स्वम मीन्स मीन्स होवर होवर ओवर देयर लाइफ उनकी ज़िंदगी के ऊपर मंडराने लग जाएंगे यहाँ पर मेटाहरी जो है वहाँ पे उनकी जिंदगी पर मंडराने लग जाएंगे एनफोर्सिंग बेनिफिट्स दैट आर कैलकुलेटेड टू सू देम आउट ऑफ देयर वीट्स एनफोर्सिंग बेनिफिट्स यहाँ पे एनफोर्सिंग मीनस रिपिंग बेनिफिट्स अब वो क्या करेंगे रिपिंग बेनिफिट्स गेटिंग बेनिफिट्स कौन से बेनिफिट्स उठाएंगे दैट आर कैलकुलेटेड जो अनुमान लगाया जा रहा है टू सू देम ये जो डैम है ये यूज़ हुआ है विलेजेस जो विलेजर्स हैं विलेजेस के अंदर रहते हैं उनके लिए अब वो क्या करेंगे डेफिनेटली अब सोच लोगों की ये है जो न्यूज़ ऐसी आ रही है कि अब लोगों को फ़ायदा भी होगा और इस फ़ायदे से इस बेनिफिट से जो कैलकुलेशन है वो ये है कि इन विलेजर्स हैं इनकी लाइफ को सूद किया जाएगा सुधिंग इफेक्ट दिया जाएगा यानी अब उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होगी अब वो अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर लेंगे ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है लेकिन जो ये मिडिल मैन हैं जो ग्रेडी गुड डूअर्स हैं बेनिफिशेंट बेस्ट ऑफ प्रे हैं ये क्या करेंगे जो कैलकुलेशन था उन गरीब लोगों की ज़िंदगी को सूद करने के लिए उनको आराम पहुंचाने के लिए उनको रिलीफ देने के लिए जो बेनिफिट दिए जाने थे वो बेनिफिट भी वो क्या कर लेंगे एनफोर्स कर लेंगे अपने दिमाग का यूज़ करके यानी इन गाँव के लोगों के इवन आफ्टर हैविंग द वर्क मिल जाएगा वर्क इसके बाद भी उनको वहाँ पे शांति नहीं मिलने वाली क्योंकि वहाँ पे भी जो लालची लोग हैं जो जानवर टाइप के लोग हैं वो क्या करेंगे कहने को तो उन लोगों का भला करने के लिए वहाँ पे पहुँचे हैं लेकिन अपने माइंड का यूज़ कर अपने विट्स का यूज़ करके वो खुद तो वो सुदिंग इफेक्ट रिलीफ उठाएंगे और उन लोगों के हालात को वैसा का वैसा यानी विलेजर्स हैं उनकी हालात को वैसा का वैसा ही रख देंगे एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दिल्लीप ओल्डे इस फ्रेज में क्या बताना चाहता है एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीपीप ओल्ड इसमें मेटाफर यूज हुआ है अब इस फ्रेज में पॉइंट क्या बताना चाह रहे हैं एंड बाई टीचिंग देम हाउ टू स्लीप दिल्लीप ओल्डे उन लोगों को सिखाएंगे कि हाउ टू स्लीपिवस्ट को सिखाएंगे हाउ टू स्लीप और वह खुद क्या करेंगे भी? वो दिल स्लीप ओल्ड डे वो आराम से सोते रहेंगे यानी काम कौन करेगा जितना भी वर्क है वो सारा का सारा वर्क जनरली जैसे मिडिल मैन करते हैं बिचौली टाइप के दलाल टाइप के लोग क्या करते हैं यानी जो वर्क है वो तो किया जाता है वर्कर्स के द्वारा और जो फ़ायदा उठाया जाता है वो इन मिडल मैन के द्वारा जो बिचौली हैं जो दलाल हैं उनके द्वारा उठाया जाता है तो इस फ्रेज में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि काम तो कौन करेगा अभी काम करेंगे वो वर्कर्स वो विलेजर्स और फायदा उठाएंगे कौन ये जो ग्रीडी गुड डूअर्स हैं और बिस्ट ऑफ फ्रे हैं ये डिस्ट्रॉय देयर स्लीपिंग्स एट नाइट द एंसेंट वे और जिस तरह से एंसेंट वे में लोगों का शोषण किया जाता था लाइक द सेम वे उनकी जो स्लीपिंग है उनकी नींद है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा इस फ्रेज में पॉइंट ये बताना चाहता है कि बेनिफिट हैं वो तो मिडिल मिडलमैन उठाएंगे बिचौलिय उठाएंगे और जो वर्क है वो गांव के लोग करने वाले हैं और इस तरह से वो क्या करेंगे दे विल डिस्ट्रॉय दे स्लीपिंग यानी उनकी जिंदगी है नींद है स्लीपिंग है उनकी लाइफ है वो एक लिविंग हेल की तरह बना दी जाएगी ये इस फ्रेज के जरिए पॉइट बताने की कोशिश करता है नेक्स्ट पॉइट क्या बताना चाह रहा है? समटाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली दॉट ऑफ सो मच चाइल्ड इज लॉन्गिंग इन वेन द सैडनेस दैट लाक्स नियर द ओपन विंडो देयर दैट वीट्स ओल्ड इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर फॉर द स्क्वेल ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉप साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फीज कार व्हाट ए फार्मस प्राइसेस आर इस टेंजर में पॉइंट क्या बता रहे हैं समटाइम्स नॉट ऑलवेज समटाइम्स ही फील्स वो क्या फील करते हैं सम टाइम्स आई फील माई सेल्फ आई कैन हार्डली बीयर मैं मुश्किल से ही हार्डली मीन्स स्कीयर्सली बियर मीन्स टॉलरेट आई कैन स्कीयर्सली और हार्डली टॉलरेट क्या टॉलरेट नहीं कर पाता मुश्किल से ही क्या टॉलरेट करने की बात कर रहा है द थोट ऑफ सो मच चाइल्ड इज लॉन्गिंग इन वेन उंड एक विचार है और वह विचार कौन सा है चाइल्डिस लॉन्गिंग का लॉन्गिंग मींस होते डिजायर लॉन्गिंग मींस डिजायर इन वेन का मतलब होता है यूजलेस व्यर्थ में दॉट ऑफ सो मच चाइल्ड इज लॉन्गिंग एक चाइल्ड इज होती है बचपन की चाइल्डहुड की एक होता है चाइल्ड इज सॉरी एक होता है चाइल्ड लाइक चाइल्ड इस जनरली नेगेटिव सेंस में लिया जाता है और चाइल्ड लाइक पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है दस थोट ऑफ सो मच चाइल्ड इस लॉन्गिंग इन वेन पोइट कहता है कि मैं मुश्किल से ही सहन कर पाऊँगा उस विचार को जो मैं बचपन में अक्सर लेता था बचपन की जो इच्छा थी ना वो वो अब मुझ वो कहता है मुझे अब यूजलेस नज़र आ रही है यानी जो विचार जब वो बचपन में रखता था और बचपन में निश्चित रूप से उसका विचार क्या था उसका विचार ये था कि कभी न कभी तो ऐसा होगा कि इन गांव के लोगों की हालात है वो निश्चित रूप से इम्प्रूव होगी और ये भी अपनी अच्छी ज़िंदगी जी पाएंगे जिसमें रॉबर्ट फ्रोस्ट अपने आप को भी इंक्लूड करता है दैट वॉज हिज चाइल्ड इस लोंगेज यानी उसकी इच्छा ये थी कि अपलिफ्टमेंट ऑफ द रूरल एरियाज लेकिन अब वो को ऐसा फील होता है कि अब वो इस विचार को मुश्किल से ही सहन कर पाएगा बिकॉज नव हीज़ हैज़ स्टार्टड थिंकिंग दैट ऑल हिज चाइल्ड लॉन्गिंग अपीयर टू अपीयर्स जो चाइल्ड लॉन्गिंग है वो अपीयर्स टू बी यूजलेस अब उसको नहीं लगता कि उनके जो अपलिफ्ट मैन इम्प्रूवमेंट के लिए जो कोई काम होने वाला था वो होगा रियल में द सैडनेस दैट लक्स नियर द ओपन विंडो देयर द सैडनेस दैट लक्स यहाँ पे सैडनेस को परसोनीफाइड किया गया है परसोनीफिकेशन में पर्सोनिफाइड किया गया है यहाँ पे सैडनेस द सैडनेस दैट लक्स नियर द ओपन विंडो ओपन विंडो कौन सी ओपन विंडो ओपन विंडो ऑफ दैट स्टैंड रोड साइड स्टैंड की जो ओपन विंडो उसकी बात कर रहे हैं उस ओपन विंडो के अंदर जो उदासी है ना वो लक्स करती रहती है यानी यहाँ पे लक्स हैंगिंग स्टेइिंग की सेंस में आप यूज कर सकते हो यानी जो उदासी है वो वहाँ पे फैली रहती है स्टे करती है या फिर स्प्रेड जो सैडनेस है वो वहाँ पे ओपन विंडो पर लटकी रहती है फैली रहती है हैंग करती रहती है इसका मतलब यहाँ पे उदासी को ऐसे आ, शो किया गया है जैसे कि कोई पर्सन हो दैट्स वाई इट इज़ पर्सोनिफिकेशन इसमें पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुआ है यानी सैडनेस है वो ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाई गई है और वो ओपन विंडो पर लटकती रहती है लहराती रहती है यानी हमेशा ही उस रोड साइड स्टैंड के ऊपर उदासी ही छाई रहती है और उसका एक कॉमन सा एक सिंपल सा रीज़न ये है क्योंकि जो वहाँ पे लोग हैं आते हैं जाते हैं बट दे डोंट परचेज द थिंग्स ऑफर्ड बाय दीज विलेजर्स वो खरीदते नहीं हैं एंड दैट्स वाई जब वो चीज़ें नहीं खरीदते हैं तो सिचुएसन क्या हो गई है वहाँ पर सैडनेस फैली हुई है दैट वेट्स ओल्ड इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर दैट वेट्स ओल्डे इन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर ओपन प्रेयर करते रहती हैं और वो वेट करते रहते हैं सारा सारा दिन किस की प्रेयर करते रहते हैं दे प्रे दैट सम कस्टमर्स कम द पीपल हु आर लिविंग इन सिटीज़ जो लोग वहाँ से आते जाते हैं ट्रैफिक से वो क्या करें भाई एटलीस्ट देड स्टॉप देयर एंड देड परचेज देयर मेटेरियल्स दे शुड परचेज देअर प्रोड्यूस लेकिन ऐसा होता नहीं है यानी सारे सारे दिन वेट करते रहते हैं वो लोग फॉर द स्क्ल ऑफ़ ब्रेक्स द साउंड ऑफ स्टॉपिंग द कार ब्रेक्स किसके किसके ब्रेक की बात कर रहे हैं गाड़ी के रुकने की आवाज़ फॉर द स्क्ल ऑफ ब्रेक्स द साउंड ऑफ ए स्टॉपिंग कार वो सारे सारे दिन ऑलमोस्ट ओपन प्रेयर में बैठे रहते हैं कि कभी तो ऐसा होगा कि कार के रुकने की आवाज़ उनको सुनाई देगी या कार के ब्रेक की आवाज़ उन्हें सुनाई देगी यानी कोई तो कार रुकेगी और अगर कार रुकेगी तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ उनका सामान खरीदेंगे बट इट डजेंट हैपन वो वेट करती रहते हैं सारे सारे दिन डे वेट करते रहते हैं ओपन प्रेयर के साथ कि कार वहाँ पे आए रुके गाड़ी के ब्रेक लगने की आवाज़ उनको सुनाई दे ऑफ ऑल द थाउजेंड सेल्फिस कार्स जितनी भी सेल्फिश कार्स है वो वहाँ से गुजरते हैं सेल्फिश कार्स कार्स हैं वो सेल्फिश नहीं है बल्कि लोग जो उसके अंदर बैठे हुए हैं वो सेल्फिश है तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट। जो थाउजेंड सेल्फिश कार्स हैं दट पास वो थाउजेंड के आसपास सेल्फिश कार्स है वो वहाँ से क्या करते हैं भाई गुजरती हैं जस्ट वन टू एंक्वायर वट फार्मर्स प्राइस आर कितने थाउजेंड्स के आसपास कार हैं सेल्फिश कार्स है यानी सेल्फिश पीपल लालची सेल्फिश टाइप के लोग हैं वो वहाँ से गुजरते हैं लेकिन उनमें से कुछ एक रुकते भी हैं ऐसा नहीं है कि थाउजेंड के थाउजेंड वहीं से गुजर जाते हैं इवन ए सिंगल कार डजेंट स्टॉप दिया बट इवन कहते हैं कार रुकते भी हैं अब उसमें एक दो दो तीन जो कार्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन दिया है जो रुकती हैं और वो क्या करते हैं जस्ट वन टू इंक्वायर व्हाट ए फार्मर्स प्राइसेस आर उनमें से एक रुकती है और वो क्या करती है वो इंक्वायरी करती है किस चीज़ के बारे में इंक्वायरी करती है कि जो फार्मर जो भी प्रोड्यूस जो भी प्रोडक्ट वो बेचे जा रहे हैं उनकी कीमत क्या है तो इसमें सेल्फिश कार्स में ट्रांसफर्ड एपिथेट हो गया